What is up guys, this is me Avinash Kumar, welcome back to our channel. This channel is all about drawing and creativity. तो आज के इस वीडियो में मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करूंगा रश्मिका मंदाना की ग्रेफाइट पेंसिल से A4 साइज पेपर पर. मैंने इससे पहले भी ड्राइंग ड्रॉ कर रखी रश्मिका मंदाना की, रिसेंटली करी थी, अभी कलर पेंसिल से करी थी, पर आज की इस वीडियो में ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करूंगा. तो इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो हमेशा की तरह मैं आईज से ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ. सबसे पहले मैंने आईलेस से ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने आउटलाइन करने शुरू कर दिया. आउटर लेयर्स हैं जो कि आईज नोज से लेकर स्टार्ट हो रहे थे. उसके बाद मैंने आईब्रोज स्टार्ट कर दी, 10B पेंसिल डार्क करी मैंने एकदम, क्योंकि आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क थी इसलिए. उसके बाद मैंने फेस में बेसिक लेयर की, मतलब पहली लेयर जो 2B पेंसिल शेड करते हैं, वो शेड करा बेसिक पूरे फेस पर. और उसके बाद मैंने 4B लेयर से मैंने सेकेंड लेयर की शेडिंग करना स्टार्ट करी है. उसके बाद मैंने 6B पेंसिल से जहाँ जहाँ डार्कर वैल्यूज है उसके बाद वहाँ शेड करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो रियलिस्टिक टोन आए. लिप्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने 4B पेंसिल का इस्तेमाल किया है. फेस में आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद मैं हाइलाइट्स के लिए नीडेड इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ. नेक में भी मैंने फर्स्ट लेयर 2B पेंसिल शेड करा है, और उसके बाद डार्कर वैल्यूज़ के लिए मैंने 3B और 6B पेंसिल का इस्तेमाल किया है. ईयर के लिए भी सेम है. ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है. क्लोथ्स में मैंने शेडिंग करने के लिए 4B, 6B और 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्लोथ्स बहुत ज़्यादा डार्क थे इसलिए. क्लोथ्स में हाईलाइट और डिज़ाइन के लिए मैंने सकुरा का जेल पेन का इस्तेमाल किया है, 0.10 mm का. हेयर्स ड्रॉ करने के लिए मैंने फर्स्ट लेयर 4B पेंसिल से शेड किया, और उसके बाद 10B पेंसिल से डार्कर एरियाज को शेड करने लग गया था. और 7 hours के बाद मैंने ड्राइंग ड्रॉ कर ली है, और ये रही वो ड्राइंग. आपको रिफ्लेक्शन आ रहा होगा क्योंकि मैंने पूरी ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करी है. तो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है ये ड्राइंग. आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट रिलेटेड टू आर्ट एंड ड्राइंग आपको मिलते रहेंगी. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और बाय बाय.